पीने के बाद आप खा भी सकते हैं ना जी, बिल्कुल ये खा सकते हैं। कहते नहीं है, हम करके दिखाते हैं। बढ़िया चाय था ये जिंदगी ब्लॉग्स की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिंदगी ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आ चुके हैं, एक नया स्टॉल है जो कि चाय का है, दुबई चाय वाला। आज उसी को कवर करने आए हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये दुबई रिटर्न्स चाय वाला नाम है, क्यों नाम है और मतलब इसका स्टोरी क्या है, वही आज हम आप लोग को बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि दुबई रिटर्न चाय वाला नाम ही क्यों रखा गया यहाँ पे। तो चलिए जाके दिखाते हैं और भैया से बात करते हैं। तो आइए गाइस, भैया से बात करते हैं। भैया, मेरा चैनल का नाम जिंदगी ब्लॉग्स है, ठीक है? थैंक यू, बहुत अच्छा नाम है। तो मेरे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं कि आपका पूरा जिंदगी का मतलब क्या था स्ट्रगल, पूरा स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जिंदगी का जो स्ट्रगल है बहुत मतलब ऐसा कहा जाए कि मैं मतलब जब याद करता हूँ तो मैं रो देता हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम तारिश श्रीवास्तव है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और हमारा जो अभी हमने स्टार्ट किया दुबई रिटर्न चाय वाला, इसमें क्या एक खासियत इस बात की है कि हम जो चाय जिस कप में हम देते हैं वो कप आप खा सकते हैं, ठीक है। और आपने पूछा कि मेरी ज़िंदगी की बात, तो मेरी ज़िंदगी तो मैं जब से मतलब जन्म लिया हूँ तब से मेरी ज़िंदगी की मतलब कोई ना कोई अच्छी खबर या बुरी खबर रही है साथ में। लेकिन 12 साल की उम्र से मैं अपना जॉब करना स्टार्ट कर दिया था और जॉब करते करते बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। और क्योंकि 12 साल की उम्र में जॉब करना मतलब कोई पॉसिबल नहीं होता है, और उस समय मतलब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था। तो ये हमारी मतलब स्टार्टिंग। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है दुबई रिटर्न चाय वाला, इसके पीछे का स्टोरी क्या, मतलब नाम ये आप रखे? और जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा कि ये दुबई रिटर्न चाय वाला, क्योंकि मैं अभी दुबई से मुझे अभी 1.5 महीना हुआ होगा मुझे आए हुए, और 1.5 महीना हुआ मुझे आए हुए, और आके उसके तीसरे दिन ही मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना ये जो हमारा स्टार्टअप है, ये हमारा जो स्टॉल है, हमने 3 दिन बाद ही हमने स्टार्ट कर दिया था। मुझे वो दिन याद है जब मैंने पहले दिन मैंने टेबल पे दुकान लगाया था, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। हमने एक टेबल पे हमने अपना दुकान स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोग आ रहे थे, हंस रहे थे, देख रहे थे। मुझे मतलब ऐसा कुछ वो नहीं लगा कि मैंने क्यों टेबल पे मैंने दुकान स्टार्ट किया है, क्योंकि एक बिजनेस स्टार्ट करना और एक मार्केट में खड़ा होना दो अलग चीज़ें हैं। क्योंकि जो हम बिजनेस स्टार्ट करते एक बड़े रेस्टोरेंट से या फिर बड़े कैफे से अगर हम स्टार्ट करते तो उस समय ऐसा होता है कि हमारे पास एक छत होता है, हम उस छत के नीचे होते हैं और कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। और यहाँ पे तो देखिए रोड पे हैं, और सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको कुछ सीखना है तो रोड पे जो सीख सकते हैं वो आप एक बड़े लेवल पे नहीं सीख सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर सीखना है तो रोड पे ही इंसान सीखता है, क्यों ना वो कोई भी चीज़ हो। और इस चीज़ को मैं मतलब देखते हुए मैंने स्टार्ट किया, और धीरे धीरे हम 6 कप बेचते थे, 3 कप बेचते थे, 4 कप बेचते थे। आज मतलब हमारे पास जो चाय का जो रेट है 5 से 10 रुपये का है, और 20 का भी है, तो 5, 10 और 20 सारा मिला के मतलब 100 से 150 कप हम बेच लेते हैं। और डेली इनकम की बात करें तो इनकम की मतलब अभी इनकम हमारा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप सबका प्यार आशीर्वाद और साथ रहा तो बिल्कुल एक दिन हम भी अच्छा इनकम करेंगे और कमाएंगे। और ये मतलब दुबई आप कब गए थे और किस कारण से? बिल्कुल, ये मेरी मम्मी पापा का सपना था कि मेरा बेटा आउट ऑफ कंट्री में जॉब करे और वहाँ से मतलब क्योंकि पैसा कमाना बहुत जरूरी था। मेरे पापा की 6 से 7 हज़ार रुपये सैलरी थी और उतने में मतलब घर को चला पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए मुझे 12 साल की उम्र में घर से बाहर निकलना पड़ा, दिल्ली कमाना पड़ा, लखनऊ में कमाना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में हमेशा बिजनेस रहता था, और मैंने बिजनेस बहुत सारे स्टार्ट भी किए, बहुत सारा बंद भी हो गया, लेकिन मैं कभी हार नहीं माना। क्योंकि हार मानना, मुश्किल के सामने मतलब झुक जाना, ये अपने लाइफ की सबसे बड़ी मतलब हार होती है, ठीक है। और मैं हार नहीं मानना चाहता, मैं ये जानता हूँ कि बस अगर एक चींटी अगर दीवार पे चढ़ रही है वो कितनी बार गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन लास्ट में वो मतलब चढ़ जाती है। तो वही हाल अपना अपने लाइफ का है कि एक ना एक दिन मतलब मुझे भी उस मुकाम को हासिल करना है, उस मुकाम पर मुझे भी जाना है, इसलिए मतलब ये सारा चीज़ किया। और मम्मी पापा का जो सपना था उसे पूरा करने के लिए दुबई जाना पड़ा। उसी बीच में मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, मैं दुबई के लिए जाने के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए मैं यहाँ पटना में आया। पासपोर्ट ऑफिस के सामने भी मैं चाय का दुकान देखा, तो चाय है ना, चाय ऐसी चीज़ है कि मतलब वो एक दूसरे को कनेक्ट करती है, एक दूसरे मतलब जुड़ते हैं। अगर आप समझ लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर अगर अनोन पर्सन बिना जान पहचान का भी कोई इंसान है ना, और आप चाय पी रहे हैं, आपको चाय का टेस्ट अच्छा लग रहा है, तो आप बेधड़क आप उनसे बोल सकते हैं कि चाय का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने सीखा, और उसके बाद मैं सोचा क्यों ना मतलब आके इसको स्टार्ट किया जाए। क्योंकि दिल्ली में भी जब मैं जॉब कर रहा था तो उस समय मेरे साथ ऐसा ही था, वहाँ पे भी मतलब चाय वाले भैया जब आते थे ऑफिस में चाय देते थे तो हम लोग मतलब 2-4 मिनट आपस में बात करने लगते थे, और उनके चाय का मतलब टेस्ट उसके साथ मतलब एक अलग एनर्जी आ जाता था काम करने का। तो एक तरह समझिए तो ये एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है चाय। और ये सारा सोच के उसके बाद मैं पासपोर्ट बनवाया, कुछ दिन बाद हमारा वीज़ा आ गया, उसके बाद हम दुबई चले गए। दुबई गए तो ये चीज़ अपने सपने को मैं वहाँ भी नहीं दबने दिया, हमेशा मतलब फ्राइडे को छुट्टी रहता था, मैं चाय बनाता था
और उसे हमारे दोस्त सब लोग स्पेशल चाय बोलते थे, और हमारे रूम पार्टनर लोग भी थे, अभिनव भैया थे, सोनू भैया थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, बबलू भैया थे, सब लोग मतलब काफ़ी मतलब आनंद लेते थे कि हाँ चाय तो वाकई अच्छा है। और स्टार्टिंग में भी हम लोग रात रात को जब जगते थे जॉब के लिए, और जब जॉब से हम लोग आते थे तो वहाँ पे हम चाय बनाते थे, तो राजेश सब लोग, विकास सब लोग, हम लोग बैठ के एक साथ हम लोग चाय पीते थे, नीतीश और विकेश दीपक सब लोग बैठते थे, और वहाँ पे दुबई में भी हम चाय का आनंद लेते थे क्योंकि वो लोग कहते थे कि चाय बहुत अच्छा बनाते हो, और कहीं ना कहीं मेरी मतलब एक पहचान बन गई थी चाय वाला। और उसके बाद फिर मैं मतलब पटना आया, पटना मतलब दुबई से यहाँ आने के बाद 3 साल बाद मैंने मतलब अपना घर पे गया, तो 3 दिन ही बस घर पे रहा, और 3 दिन रहने के बाद फिर मैं सोचा कि नहीं अब मुझे सोना नहीं है और मुझे कुछ करना है, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ सुना है कि जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया, ठीक है। तो लाइफ का जो मतलब मेन जो समय होता है, टाइम जो होता है, उसे खोना नहीं है, हमें लाइफ में कुछ करना है, हमें कुछ हासिल करना है, तो हमें हासिल करने के लिए हम अपना टाइम उसमें देना होगा, टाइम लगाना होगा, मेहनत करना होगा, और मैं कहीं ना कहीं मैं मेहनत करता रहूँगा, लाइफ टाइम मेहनत करता रहूँगा। और उसके बाद मैं 3 दिन बाद मैंने स्टार्ट कर दिया, और इस चीज़ को स्टार्ट करके आज मुझे 1 महीने 10 दिन के आसपास हो गए हैं, और उसके बाद मैं अपने स्टॉल की तरफ से 20% डोनेट करता हूँ उन गरीब बच्चों को जो बच्चे रोड पर रह के और पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ से मेरे मतलब दिल को मतलब सुकून मिलता है, क्योंकि आज अगर मुझे कोई अगर सहारा दिया होता, सपोर्ट किया होता, तो आज मैं किसी अच्छे लेवल पे किसी MNC कंपनी में होता है, किसी बड़े कंपनी के लिए मैं काम कर रहा होता है, किसी बड़ी कंपनी मेरी होती, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ लेट हुआ, लेकिन अब जो भी हुआ, जो भी होता है समय पे होता है, और यही होता है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा ये ज़िंदगी ब्लॉग्स की तरफ से, जितने भी हमारे युवा साथी अगर सुन रहे हैं, अगर वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं और उनके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को दूर रखिए और बिजनेस में लग जाइए, और आपको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है तो तारिश श्रीवास्तव के पास एक बार आप आइए, और मैं आपके साथ मिलकर आपके स्टॉल पे कराऊंगा, हम लोग काम करेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, और एक दिन जरूर अपनी ऊंचाई अपने मुकाम को हम हासिल करेंगे। दुबई में भी स्टॉल था क्या? नहीं नहीं, दुबई में स्टॉल नहीं था, और इतना आसान नहीं है दुबई में दुकान खोलना, क्योंकि बहुत ज्यादा पैमाने पर बहुत ज्यादा पैसा लगता है। हमने ट्राई किया था। जी बिल्कुल, अगर मेरा अगर सपना भी है कि मैं यहाँ से आउट ऑफ कंट्री तक मैं मतलब जो जर्नी है उसे मैं मतलब अपना पूरा करूँ, और वो जर्नी कैसे पूरा होगा जब हमारे युवा साथी हमारे साथ होंगे, तो उस जर्नी को हम पूरा करेंगे, क्योंकि इस जर्नी को भी स्टार्ट करने में हमारे मित्र प्रीतम जी हमारे साथ दिए, और आज हम लोग पार्टनरशिप पे हम काम कर रहे हैं और इस चीज़ को हम चला रहे हैं। तो प्रीतम जी सर को अपना मतलब इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, मेरा नाम हुआ प्रीतम और हम गुड्डा झारखंड से बिलोंग करते हैं, और मेरा घर हुआ बलवड्डा। भैया आपका मतलब इस भैया के साथ ज्वाइन करने का कहाँ से मतलब शुरुआत हुआ था पता? मेरे को एक चीज़ पता है कि टीम में बहुत वो होती है, एक टीम अगर आपके पास है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मेरे को पहले से क्या है कि हम MLM कर चुके हैं पहले, तो टीम का जो होता है ना मैनेजमेंट वगैरह सारा चीज़, तो क्या होता है कि हम लोग एक टीम के साथ बहुत आगे तक जा सकते हैं, इसीलिए हम टीम बनाने के लिए मेरे माइंड में आया कि नहीं टीम बनाना चाहिए। तो इससे पहले क्या था कि मैं यूट्यूब पर कुछ दिन काम कर रहा था, और यहाँ तक कि जो मैं स्टॉल चला रहा हूँ मेरे मम्मी पापा को पता नहीं था, अब उनको पता चल चुका है, तो अभी वो थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ बोल नहीं रहे, बस पहले क्या था कि उनको बताया नहीं था। मैं गुड्डा से यहाँ 350 किलोमीटर यहाँ पे आया, और मैंने डिसाइड किया था 10-15 दिन मेरे को ये स्टॉल बनाने में लग गया, उसके बाद स्टार्ट किया मैंने। जैसे मैंने एक दिन अचानक से खोला तो मेरे को तारिश भाई मिल गए, उसके बाद हम अचानक से मिले, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं दोनों का मतलब माइंड क्या है कि मतलब मैच कर रहा था कुछ कुछ चीज़ें, उनको भी कुछ बड़ा करना था, मेरे को भी कुछ बड़ा करना था, तो दोनों ने मिल के कुछ प्लान किया कि नहीं चलिए मिल के करते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टीम वर्क आपको भी पता होगा कि टीम वर्क में बहुत ज़्यादा मजबूती होती है और बहुत आगे तक जा सकते हैं। आपके बगल स्टॉल के बगल में थे ये भैया? हाँ, जस्ट मतलब हम थोड़ी दूर में थे, मतलब बगल में आसपास ही थे, दोनों का अलग अलग स्टॉल था उसके। हाँ हाँ, अब साथ में मिलके खोल। हाँ चलिए, भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भैया। तो गाइस जैसा कि भैया अपना दिल का बात पूरा निकाल दिए, मतलब बता दिए पूरा दिल का बात, जो भी था सच्चाई सब कुछ बता दिए, और यहाँ पे आइए भैया से पूछते हैं, भैया यहाँ पे कौन कौन सा चाय देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, हमारे पास जो है हमारे पास दुबई का सबसे फेमस चाय है सुलेमानी। सुलेमानी का मतलब कि वहाँ पे सिर्फ पानी वाला सुलेमानी मिलता है, लेकिन हम जो चाय देते हैं मिल्क ऐड करके देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समाज में लोग देखे जो दुबई जाना तो चाहते लेकिन जा नहीं पाते, तो हम अब दुबई तो ला नहीं सकते यहाँ पे, तो हम सोचे क्यों ना वहाँ से एक छोटी सी चीज़ चाय को ही यहाँ पे लेके आएं, तो चाय को हम लेके आए हैं और चाय हम दे रहे हैं सबको, सुलेमानी चाय दे रहे हैं, और इसमें हमारा मसाला ऐड होता है, चॉकलेट ऐड होता है, कॉफ़ी ऐड होता है, और प्लस हमारे पास जो खाने वाला जो कप है एडिबल कप, हाँ एडिबल कप जो है
और ये एडिबल कप मतलब आप चाय पी भी सकते हैं और कप खा भी सकते हैं। इसमें हम एक्स्ट्रा में चॉकलेट ऐड करते हैं, वो चॉकलेट ये हमारा जो चॉकलेट है ये हम ऐड करते हैं चॉकलेट के साथ और भी टेस्टी लगता है। आपने आज तक तो मतलब आइसक्रीम तो बहुत सारा खाया होगा लेकिन चॉकलेट वाला चाय एक बार टेस्ट करिए और अपने जितने भी दर्शक हैं, जितने युवा हैं, जितने हमारे फ्रेंड हैं, सबको आप बताइए कि एक बार ये ऐड करें दुबई रिटर्न चाय वाला के स्टॉल पे आके। और ये चाय पीने के बाद आप खा भी सकते हैं ना? बिल्कुल ये खा सकते हैं। इसका प्राइस कितना है? इसका देखिए हमारे पास क्या है, 20 का भी है, 25 का भी है, वनीला भी है, चॉकलेट भी है। वनीला बड़ा छोटा है क्या? देखिए सेम साइज तो सेम होगा, बस फ्लेवर चेंज होगा। वनीला 20 का है और ये 25 का है। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि देखिए कूलर चाय हमारा 10 का है और जो पेपर कप चाय है इसमें भी दो वैरायटी है, 5 का भी है और 7 का भी है, जैसे आप क्वांटिटी के हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके साथ ही मैं बताऊंगा कि मतलब जो भी आए एक बार विजिट करें और एक बार चाय के साथ बिस्किट खाने का आनंद लें। और आगे आप जो पूछना चाहते हैं। थैंक यू, यू वेलकम। तो गाइस यहां पे एडिबल कप टेस्ट करते हैं और बताते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। हम कहते नहीं है, हम करके दिखाते हैं। और अभी जो हमारे स्टॉल पे जो बच्चे आते हैं और इच्छुक होते हैं पढ़ाई के कि हमें पढ़ाई करना है, हम उनके लिए कॉपी पेन पेंसिल कटर रबड़ हर चीज़ पहले से ऑलरेडी हमने रख रखा है कि जो बच्चे आएंगे वो यहाँ से कॉपी पेन पेंसिल ले जा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं 500 बच्चे का मतलब कह सकता हूँ कि 50 से 500 बच्चे का मतलब बहुत जल्द मैं जिम्मेदारी लेने वाला हूँ एक दिन के लिए। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं इतने पैसे वाला हूँ या फिर मैं मतलब खुद लूँगा, मैं एक एनजीओ से बात कर रहा हूँ, उस एनजीओ के थ्रू बिहार में मतलब अपने पटना में जो भी बच्चे रोड पर रहते हैं एक दिन के लिए, क्यों ना एक घंटे के लिए मैं उन बच्चों का जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। और मैं कोशिश कहीं ना कहीं कर रहा हूं कि उन बच्चों को मैं अपने मतलब जहां पे भी मैं ये इवेंट रखूं या जहां पे भी उन्हें मैं बुलाऊं और उनके लिए मतलब जितना हो पाएगा मैं करूँगा, खाना से लेके और कॉपी पेन पेंसिल तक एक दिन के लिए, कुछ देर के लिए ही क्यों ना। चाय स्टॉल का 20% है ना? ऐसे तो मैं नॉर्मली मतलब 20% हम डोनेट करते हैं, जो भी हमारे महीने का इनकम होता है उसमें हम 20% हम डोनेट करते हैं। लेकिन ये चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ अभी मतलब एनजीओ पे बात कर रहा हूँ और बहुत जल्द मैं अपने पटना के जो भी ये रोड पे बच्चे रहने वाले हैं उनके लिए कुछ अच्छा करूँगा, क्योंकि मैं ये सब लाइफ देख चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि मतलब ऐसा अब आगे हो। और क्योंकि पटना कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी में ये जो बच्चे मतलब ऐसे भटक रहे हैं उन्हें भी कोई रास्ता मिल जाए और शायद आज मेरी वजह से या हमारे समाज, हमारे फ्रेंड, हमारे दोस्त जितने हमें साथ दे रहे हैं उन लोगों की वजह से एक दिन के लिए उन बच्चों को एक सुकून की ज़िंदगी मिले। और आज अगर मैं कर रहा हूँ, अगर कल ऐसे 365 दिन अगर लोग करेंगे तो वो बच्चे कभी वो रोड पे नहीं रहेंगे और बिना पढ़े वो नहीं रहेंगे और भूखे नहीं मरेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम। वनीला एडेबल कप तैयार हो रहा है, यहाँ पे एडेबल वनीला चाय टेस्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि कैसा लगता है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप, चॉकलेट सिरप डाला हुआ है और कुछ अलग है और ये आप कप खा भी सकते हैं चाय पीने के बाद। तो चलिए टेस्ट करके बताते हैं कैसा लगता है। टेस्ट तो बहुत ही अलग है, यहाँ पे आप आके दुबई रिटर्न चाय वाले के पास जरूर टेस्ट करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा यहाँ का चाय। तो गाइस जैसा कि अभी हम लोग ये कप का चाय पूरा कंप्लीट कर चुके हैं देख सकते हैं और ये देख सकते हैं चॉकलेट सिरप लगा हुआ है, अब इसको टेस्ट करते हैं। जैसा कि बताया था कि खा भी सकते हैं, तो आइए खा के बताते हैं। गाइस जैसा कि अब ये खाएं, देखें आप लोग भी खा सकते हैं इसको और अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको फेंक भी सकते हैं, जो भी जानवर सब होते हैं उसको ये खिला दिया जाएगा। चाय पिए कैसा लगा? चाय बढ़िया चाय था, इस तरह का चाय हम लोगों की तरफ तो मिलता नहीं है। आप है? जी पूर्णिया का हूँ मैं। पूर्णिया से जी? यहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइम आया? हाँ इस जगह तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। पटना मतलब? नहीं पटना तो रेगुलर आते रहता हूँ काम से। हाँ काम से आता रहता हूँ, भाई एक डॉक्टर के यहाँ रहता है अभिषेक डॉक्टर, जस्ट इनके सामने में ही है। इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ, लगभग एक साल से रेगुलर आ रहा हूँ, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ। चाय ट्राई किया? अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा चाय। थैंक यू। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।